हेलो गाइस, इसी वीडियो में हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मींस गाइस, हम ना कंसेप्ट सीखेंगे कार्ड्स के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालने का। कार्ड्स के जो जितना भी सारा क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो आज हम इस वीडियो में देख लेंगे। अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आ गया जो मैं अभी कराऊंगा, तो आप कार्ड्स का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कार्ड्स। कार्ड्स मतलब होते हैं गाइस, जो हमारे ताश के पत्ते होते हैं ना, उनको हम कार्ड्स कहते हैं। तो टोटल कितने होते हैं ताश के पत्ते? 52 कार्ड्स। टोटल हमारे 52 कार्ड्स होते हैं। कभी भी आप ताश के पत्ते खोल के देख रहे हैं ना, वो टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। ठीक है, उनमें 52 कार्ड्स होते हैं, 52 ताश के पत्ते होते हैं वो। तो ये 52 कार्ड्स चार तरह के होते हैं, हमेशा याद रखना। ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, बस ये याद कर लो, एक एक क्वेश्चन कर लोगे आप कार्ड्स का, पक्का कह रहा हूँ। जो हमारे कार्ड्स होते हैं ना, ये 52 या चार तरह के होते हैं। एक होता है हमारा डायमंड, एक होता है हमारा हार्ट, एक होता है हमारा क्लब्स, एक होता है हमारा स्पेड। जो हमारा डायमंड होता है वो आपने कुछ देखा होगा, इस तरह का होता है। एक जो हमारा हार्ट होता है वो तो आपको पता ही कैसा होता है। देन जो हमारे क्लब्स होते हैं ना, ये कुछ ऐसा पत्ते की तरह होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे क्लब्स होते हैं भाई। ठीक है, और जो हमारा स्पेड होता है वो होता है जैसे हमारा पान का पत्ता होता है ना, थोड़ा वैसे होता है ये ऐसा कुछ होता है। ताश के पत्ते खोल के देख लेना। ठीक है, डायमंड, हार्ड, क्लब्स और स्पेड, ये चार तरह के कार्ड्स होते हैं। और जो डायमंड होते हैं वो भी टोटल 13 होते हैं, 13 होते हैं, मतलब 13 कार्ड्स होते हैं। ये भी 13 कार्ड्स होते हैं, ये भी 13 कार्ड्स होते हैं, ये भी 13 कार्ड्स होते हैं। अब 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 करके देख लो, टोटल 52 कार्ड्स हो गई है। अब देखो, जो हमारे डायमंड होते हैं वो रेड कलर्स के होते हैं, हार्ट होता है वो भी हमारा रेड कलर का होता है, जो हमारा क्लब्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, और जो हमारा स्पेड होता है वो भी ब्लैक कलर का होता है। तो हमारे रेड टोटल कितने हो गए? 26, 13 प्लस 13, और ब्लैक भी कितने हो गए? 13 प्लस 13, 26। तो हमेशा याद रखना, जो 52 कार्ड्स होते हैं ना, उसमें आधे रेड होते हैं, मतलब 26 रेड होते हैं और आधे ब्लैक होते हैं। ओके, अब जो हमारे ये 13 कार्ड्स हैं, हर किसी में जो ये 13 कार्ड्स हैं, हर्ट के 13, डायमंड के 13, क्लब्स के 13, स्पेड के 13, अब इन 13 में क्या क्या होता है? देखो, इन 13 में होता है, एक हमारा होता है किंग, एक होता है हमारा क्वीन, एक होता है हमारा जैक। आपको पता होगा किंग, किंग को हम 13 नंबर कहते हैं, क्यू को हम 12 नंबर कहते हैं, जैक जो होता है हमारा जे, उसको हम 11 नंबर कहते हैं। ठीक है, तो 11, 12 और 13 तो हो गया, 11, 12, 13। तो बचे बचा क्या हमारा? एक बचा एस, एस जो होता है हमारा इक्का होता है, और बाकी क्या बचा? वन भी हो गया, बाकी क्या बचा? टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड 10 हो गए सारे, एक से लेके 13 तक। एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। तो हमारे 13 कार्ड्स में ये सब होता है। ये बस छोटा सा टेबल है, इसको याद कर लो। कोई भी क्वेश्चन हो ना कार्ड्स का, कोई भी, सब कर लोगे। मैंने क्या बताया, जो 13 कार्ड्स होते हैं ना, हर किसी में 13 जो कार्ड्स होते हैं, उसमें एक हमारा किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक ही जैक होता है, सब चीज सब एक होता है। एक किंग, एक ही क्वीन, एक ही जैक, एक ही इक्का होता है डायमंड का, एक ही इक्का होता है, और जो बाकी जो बचे 2 से लेकर 10 तक नंबर्स होते हैं। ऐसे ही जो सेम है वो इसमें होता है, हर किसी 13 में सेम यही होता है बिल्कुल। एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक इक्का, बाकी जो है 2 से लेकर 10 तक नंबर्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ही इसमें भी सेम, ऐसे ही इसमें भी सेम, 2 से लेकर 10 तक नंबर, और किंग, क्वीन, जैक, एस और 2 से लेकर 10 तक नंबर्स। बस यही कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जिसको याद हो गया उसके सारे क्वेश्चन हो गए। अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन है जैसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, ड्रॉइंग क्या करें, ड्रॉ ब्लैक या रेड किंग कर लेते हैं, रेड किंग। ओके, फाइंड
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड किंग, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालो रेड पत्ते के निकालने की, मतलब जैसे कोई हमारा कार्ड्स है, बहुत सारे 52 कार्ड्स पड़े हैं यहाँ पे सारे, इसमें से रेड कलर के किंग को निकालना है। सारे 52 कार्ड्स हैं, सारे के सारे जितने 52 कार्ड्स हैं ना सारे, वो यहाँ पे पड़े हैं और वेल शफल्ड है, मतलब उनकी हमने पलटी मार रखी है। तो अब कह रहे हैं उसमें से एक रेड किंग निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अब देखो सबसे पहले तो इन्होंने, मैंने देखा कि इन्होंने किंग की बात करी है, तो किंग तो मेरा एक होता है, एक उसमें 13 में, पर इन्होंने रेड की बात करी है तो रेड तो मेरे दो होते हैं, तो किंग कितने हो गए, दो। तो क्या हो गया, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, रेड कलर है तो रेड, मैंने सोचा रेड तो मेरे पास दो हैं, ठीक है, 13 पत्ते रेड के और 13 पत्ते पत्ते रेड के। अब आगे किंग की बात करिए तो किंग भी मेरे पास दो हैं, रेड के अंदर दो किंग हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हुई है, मुझे रेड किंग निकालना है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हुई, दो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी हुई, टोटल तो हमारे जितने कार्ड्स पड़े हैं यहाँ पे उतने, तो कार्ड्स कितने हमारे 52, दैट्स इट हमारा आंसर। इसको कार्ड दो बस, ये आ जाएगा हमारा 1/26, 2 1 2 26 पे चला जाएगा ये, तो 1/26 हमारा आंसर आ गया। अब देखो मैं एक बार आपको दोबारा कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, जिसको समझ नहीं आया वो दोबारा देख लो। हमारे टोटल कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स, ताश के पत्तों में जितने सारे पत्ते होते हैं ना वो 52 होते हैं, उसमें चार तरह के पत्ते होते हैं, वो एक डायमंड होता है, एक हार्ट होता है, एक क्लब्स होते हैं, एक स्पेड होता है। ओके, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, एक डायमंड, हार्ट, क्लब्स और स्पेड, और जितने चार तरह के पत्ते हैं ना ये 13-13 होते हैं हमेशा, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ठीक है, सारे 13 होते हैं। और 52 कार्ड्स में से 13 रेड होते हैं, मतलब डायमंड वाले रेड होते हैं, हार्ट वाले भी रेड होते हैं, क्लब्स वाले ब्लैक होते हैं और स्पेड वाले ब्लैक होते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना। मतलब 52 कार्ड्स में 26 रेड होते हैं, 13 + 13 26, 26 रेड, 26 रेड एंड 26 ब्लैक। देन अब हर किसी 13 पत्तों में एक ही किंग होता है, एक ही क्वीन होती है, एक ही जैक होता है, एक इक्का होता है, ठीक है, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक इक्का, इक्का मतलब एस, बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 से लेकर 10 तक नंबर्स। ओके, ये सब में होते हैं, क्लब्स में भी यही होता है, स्पेड्स में भी यही होता है। ओके, बस ये कॉन्सेप्ट लर्न कर लो, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे पक्का, मैं गारंटी दे रहा हूँ, दैट्स इट।